हेलो स्टूडेंट, और सब कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? वेलकम टू आवर चैनल। मैं धर्मवीर फ्रॉम डा विंसी इंस्टीट्यूट। वेल, आज हम लोग क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी मैं ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण वो बढ़िया से हो नहीं पाया, तो आज मैं फिर से इसको रिपीट कर लेता हूँ। आप लोग भी अगर पढ़ लिए हैं तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो फटाफट मुझे जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, और सेकंड साइन ऑफ टी वैल्यू। ये साइन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो टॉपिक अभी हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसी दो टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस आज करेंगे कि टी वैल्यू कहने का मतलब आपने टेंथ में क्या पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं एंगल पे आपने काम किया है। लेकिन इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर यही 270 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, 360 डिग्री पर क्या होगा, उससे बियॉन्ड अगर जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब दिस इज कॉल्ड टी वैल्यू। कि अपार्ट फ्रॉम 0, 30, 45, 60 एंड 90, वी हैव टू लर्न what will be the angle, what will be the value of trigonometric ratio at different angle, that is 270 180 360, इसका calculation कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर sine of t value का मतलब क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल लिया मैंने, और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सारे क्वाड्रेंट में इन टी रेशियो का आखिर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब मैं प्रूविंग करके आपको दिखाऊंगा, सब चीज़ मैं सिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, बने रहिए। और एक बार सब मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए, क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है, सारा साउंड वाउंड वीडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? पता चलेगा मैं पढ़ा दिया हूँ और कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए फास्ट। मैं 5 सेकेंड रुकूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं टी वैल्यू। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल बना रहा हूं। इट इज एक्स एक्सिस एंड वी आर गेटिंग वाई एक्सिस, गॉट इट? वन सर्कल वी विल क्रिएट। ये देखो, ये एक मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट किया, और ये सर्कल का रेडियस पता है कितना होगा, ये 1 यूनिट पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि अभी की जो ट्रिग्नोमेट्री है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। टेंथ में जो आपने पढ़ा था वो ट्राइंगल पे बेस था, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ते थे, लेकिन अभी की जो ट्रिग्नोमेट्री है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बनाया, एक एक चीज बहुत मैं आराम से बताऊंगा। दिस इज ए बी सी एंड वी आर गेटिंग डी हियर। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि इट इज 1 यूनिट, यहां से यहां तक जो है ना, दिस इज 1 यूनिट, ये मैंने बताया। क्लियर, रेडियस मैं 1 यूनिट लूंगा और इसका नेमिंग कर दिया ओ, ओ ए 1 यूनिट हो गया। अब यहां पर देख लो जी, एक P पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूं, दिस इज P पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट A कॉमा B रखा मैंने, और ओरिजिन के साथ ज्वाइन करवा दो, और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया। तो क्या होना है, दिस इज कॉल्ड M, मैंने कहा ये हमारा M हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो OM है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग OM क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए क्योंकि ये लाइव क्लासेस चल रहा है,
और वीडियो को लाइव क्लास के बाद भी अगर देखता तो भी आपको कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे इंटरेक्शन होगा। मैं बार बार हर एक वीडियो को एक बार चेक जरूर करता हूँ, उनके कमेंट को चेक करता हूँ कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ओ एम विल बी वोट इट इज ए, ये मैंने ए रख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ ताकि एंगल लिखने में भी सही होगा, ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, दिस इज पी एम विल बी बी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि ये ए से पी तक ये कितना होना है, ए पी वुड बी एक्स। ठीक है, ए पी कितना होगा, एक्स। ये ए पी आर्क है तो ए टू पी इट विल बी एक्स। तो ध्यान से देखिए, आपको पता होगा थीटा इक्वल टू एल वाई आर रेडियन होता है। जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, दिस इज एल बाई आर रेडियन होता है, और दिस एल कैन बी रिटन व्हाट, एक्स, और रेडियस को क्या रखेंगे, वन, और पूरे का पावर सी रखा मैंने। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एक्स रेडियन हो गया। इससे क्या क्लियर हो रहा है जी, जितना हमारा आर्क है ना, अगर एक्स यूनिट आर्क है तो हमारा रेडियन भी कितना आएगा, एक्स रेडियन आएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जो एंगल होगा वो एक्स रेडियन होगा। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, दिस विल बी एक्स रेडियन रखा। ठीक है, एक्स रेडियन हो गया। एक बार कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा क्या क्लियर आ रहा है सब कुछ। हाँ, पंकज कुमार, ये क्लास 11th का है जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन, राकेश सर, ठीक है पंकज, बहुत अच्छे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आइए अब हम लोग सीखते हैं। दिस इज एक्स रेडियन हो गया हमारा। जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अगर और यहां पे ये देख लो कि इन ट्राइंगल ओ पी एम, ओ पी एम की बात कर रहा हूं, आपने 10th में सीखा होगा कि अगर ये एक्यूट एंगल एक्स है तो सामने वाला पी लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला बेस हो जाता है। ये पता है सबको कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो और दिस इज एक्यूट एंगल सपोज, तो अपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल कैन बी रिटन एज अ पी, एंड नीचे वाला जो होता है दिस इज कॉल्ड बेस, दिस विल एक्ट एज अ बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ यहां बेस का काम कौन कर रहा है, ए। ठीक है, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बी। यह बात ध्यान रखिएगा। तो कॉस, अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं, कॉस एक्स लेता हूं, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल बी बाई एच होता है। मैंने कैपिटल के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10th में आप लोगों ने बढ़िया से इसको सीखा होगा। ठीक है, तो इस बी की जगह, बेस की जगह मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा, बेस की जगह, बेस की जगह मैंने लिखा ए और डिवाइडेड बाई। अच्छा ये बताओ ओपी कितना होगा, कोई कमेंट करके मुझे बताइए। ओपी, ऑफ कोर्स ओपी विल बी वन यूनिट रेडियस। ये ओपी एक तरह का रेडियस है, तो ओपी का जो लेंथ होगा ना, इट विल बी वन यूनिट होना है। तो मैंने कितना रखा, नीचे वन रख दिया। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस एक्स इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग एज अ ए हो गया। और उसी तरह से साइन एक्स होगा ना पी, कैपिटल पी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई एच हो गया वन, तो साइन एक्स इक्वल टू बी रखा मैंने। अभी देखना इसका मैं यूज बहुत करूंगा, कॉस एक्स इक्वल टू ए, साइन एक्स इक्वल टू बी। एकदम रट जाओ मेरे साथ, बोलो चलो सब घर में ही बोलिए आप। ठीक है, ताकि मम्मी पापा को भी लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। कॉस एक्स इक्वल टू ए, साइन एक्स इक्वल टू बी, वी विल यूज, ठीक है, मैक्सिमम टाइम दिस कंसेप्ट, बहुत ज्यादा भी हम लोग यूज करेंगे इसे। चल, और जितने भी क्लास 11th वाले बच्चे हैं आपने ग्रुप सर्कल में भी भेज दीजिए, ताकि उनको ट्रिग्नोमेट्री आराम से क्लियर हो। आओ जी, अब मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं, चलो देखो, तो थोड़ा सा मुझे इस ए का कोऑर्डिनेट बता दो, कोई कितना होगा, इट विल कम 1, 0। ठीक है, ये बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस इज 1 यूनिट, इट विल कम 0, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट कितना होना है मुझे बता दीजिए, इस साइड आप लेकर के आओगे -1, 0, और इस डी का कोऑर्डिनेट जो होगा
ठीक है, आप नीचे साइड लेकर के आ जाओ तो 0, -1 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, वी आर गेटिंग 1, 0, बी का कोऑर्डिनेट 0, 1, सी कैन बी रिटन -1, 0 एंड डी कैन बी रिटन 0, -1, गॉट इट, ठीक है। देखिए वेल, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए क्या, चलो अब इसको फोकस कीजिए। अगर ये 0 डिग्री, आपने पढ़ा था ना साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होने का मतलब ये P पॉइंट मूविंग पॉइंट है। ये P मान लो A पास ही होगा कि अभी तो एंगल OP और X एक्सिस के साथ X एंगल बन रहा है, लेकिन 0 एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस OP को X एक्सिस पे ही लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब P कहाँ आ जाएगा जी, A के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ कि जब थीटा, थीटा की जगह यहाँ X रखते हैं हम लोग, अगर X इक्वल टू 0 डिग्री में लेता हूँ, ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब P कहाँ आ जाएगा, A के पास। और मुझे बताओ A का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 1, 0 दिख रहा है, बताया था ना कि 0 अभी OP और X एक्सिस के साथ एंगल X बन रहा है, 0 होने का मतलब OP और X एक्सिस पूरा का पूरा कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। मतलब P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, A के पास, और A का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0, ठीक है। और फर्स्ट वाला X एक्सिस होता है, सेकेंड वाला Y एक्सिस होता है, तो X का काम A कर रहा है और Y का काम B कर रहा है। जैसा बताया था P कहाँ चला जाएगा जी, A पर, तो P का कोऑर्डिनेट क्या था, A और B था, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 1, देखो 1, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और A अभी जस्ट क्या बताया था, cos X इक्वल टू 1, और यहाँ पर मैंने बताया था sin X इक्वल टू 0, ठीक है, cos X इक्वल टू 1, sin X इक्वल टू 0 हो गया, तो समझ में आया। तो cos X इक्वल टू 1, sin X इक्वल टू मैंने यहाँ 0 रखा, यही तो बताना चाह रहा था कि जब 0 डिग्री होगा तो इससे क्या क्लियर हो गया कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन इसकी प्रूविंग में बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। आइए सेकेंड वाला केस, ये तो फर्स्ट वाला केस है, कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया सबको, यहीं पर मैं सब कुछ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब सिचुएशन, अगर एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, और 90 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन भी कहते हैं, आप रेडियन के टर्म में चले जाओ। जो बच्चे आज पहली बार क्लास आ रहे हैं, मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर 6-7 लेक्चर मेजरमेंट ऑफ एंगल पे बहुत ज़बरदस्त मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा जी, 180 डिग्री होता है, ठीक है, दिस इज रेडियन और ये डिग्री में जाएगा, ठीक है। रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, मेरा लेक्चर मैं बना दिया हूँ, वहाँ जाके जरूर पढ़ लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ थीटा इक्वल टू 90, पाई बाय 2 आई केप्ट हियर। अब जरा देखो 90 का मतलब क्या होगा, ये जो OP है ना OB पास चला जाएगा, मतलब X एक्सिस और ये OB, मतलब ये P पॉइंट B के पास चला जाएगा, मतलब OP हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तब क्या बनेगा, इसके बीच में तब ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब ये P कहाँ जा रहा है, B के पास, तो बताओ जी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, B का कोऑर्डिनेट मुझे बता दीजिए, 0 एंड 1 हो गया, और फर्स्ट वाला A कहेंगे, सेकेंड वाला को B कहेंगे, X का वैल्यू Y का वैल्यू, X का A, सेकेंड का B, तो A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू वी आर गेटिंग 1, और A की जगह क्या बताया था मैंने, ठीक है 1 था, इट इज cos x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा sin x इक्वल टू 1, और cos x मतलब x कितना डिग्री लिया गया है, यहाँ पर आप इसको क्या कर लो ना, इसको लिख लो x का वैल्यू, यहाँ x रहेगा, x दिस इज 90 इक्वल टू 0 और sin 90 इक्वल टू 1, ठीक है। और थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ चलिए देखो, या इसको अगर हम रेडियन के टर्म में लिखते हैं तो sin पाई बाय 2 इक्वल टू 0, नहीं cos था ना ये, तो वेट
ये कॉस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो एंड वी आर गेटिंग साइन इट इज पाई बाई टू इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिए एक और। हम मान लो कि अब एंगल, इस एंगल को रखना चाहता हूं मैं 180 डिग्री पर। 180 को लिखते हैं हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये पी कहाँ चला गया बताओ, सी के पास चला जाएगा। क्लियर? तो अब मुझे बताइए सी का जो कोऑर्डिनेट है -1, 0 हो जाएगा, ये तो कोऑर्डिनेट है ना। तो दिस विल एक्ट एज अ ए, यहाँ पर हो गया बी। अब तक आप 90 तक जान रहे थे, अब मैं आपको बताता हूँ 180 पे क्या होने वाला है। तो अगेन ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू कितना, 0। ए का वैल्यू कॉस एक्स इक्वल टू -1 और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स और एक्स है तो एक्स की जगह कितना डिग्री होना है, इट इज़ 180 डिग्री इक्वल टू -1 और साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी विल गेट कॉस पाई इक्वल टू -1 और यहाँ लिखेंगे साइन पाई रेडियन इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? 0 हो रहा है। तो देखो अब साइन का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आ गया जी, याद करो, साइन 0 था वहाँ भी 0 आ रहा है, साइन पाई है वहाँ भी 0 आ रहा है। इसे एक हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो सकता है अभी कंक्लूजन। नेक्स्ट एक और चीज अब देखते हैं। अगर मान लो कि 270 पर अगर मुझे चाहिए थीटा का वैल्यू, थीटा नहीं, इसको एक्स लिखेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू इफ 270 वी आर गेटिंग डिग्री और 270 को लिख सकते हैं 3π/2 रेडियन वी आर गेटिंग, यही तो लिखेंगे ना, x 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन वी आर गेटिंग। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस थिंग, यहां पर क्या करना है आपको, वेल कोऑर्डिनेट d के पास चला जाएगा 270 होने के लिए, मान लो यहां से 90 180 और प्लस फिर यहां से यहां तक ये आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो ये p पॉइंट घूमकर अगर यहां पर आता है d पर तो d का कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। वही बताया इट इज a, इट विल एक्ट एज अ b, तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1। a कैन बी रिटन एज अ cos x इक्वल टू 0 और यहां लिखा मैंने sin x इक्वल टू -1 और cos दिस विल कम एज अ 70 डिग्री 0 और साइन 270 -1। ठीक है, और इसको पाई के टर्म में भी लिख सकते हो 3π/2 रेडियन, ठीक है, इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा साइन 3π/2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, सब एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए आप लोग, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी करते चले जाइए। ठीक है, लाइक करने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है, प्लस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। हम लोग अभी लॉकडाउन में यही एक छोटा सा मदद कर सकते हैं कि घर घर तक एजुकेशन मुझे पहुंचाना है। क्लियर, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल क्लिक करके ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऑल जब तक आप नहीं प्रेस कीजिएगा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। चलो जी देखो, और अगला जो है, अगर मैं यहां x का वैल्यू 360 ले रहा हूं और 360 के अंदर रिटर्न एज अ 2π रेडियन। ठीक है, तो बताओ ये यहां से मान लो चला था 360 होने के लिए, ये 270 और एक्स्ट्रा चला जाएगा, यू विल गेट एज अ 360 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वी आर गेटिंग 2π। अब कहां पर आ गया ये पॉइंट, अगेन वी आर गेटिंग a के पास चला जाएगा 1, 0, तो दिस विल a, दिस विल बी b, और इसका मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। a कितना बताया था, cos x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा sin x इक्वल टू 0 और cos 360 का वैल्यू कितना हो गया, वी आर गेटिंग 1 और sin 360 का वैल्यू हो जाएगा 0। cos 360 कैन बी रिटन एज अ 2π/1 और sin हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो cos 2π यहाँ पर हो गया 1 और sin 2π वुड बी 0, यही है। अच्छा अब देखिए, ये पूरा का पूरा तो मैंने आपको बताया,
इससे क्या पता चल रहा है ना, याद करो आप लोग कि जो साइन का मैं 0 डिग्री पे पढ़ाया था, पहले कॉस लिख लेते हैं, कॉस 0 जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो इसकी वैल्यू 1 थी, और साइन 0 पढ़ाया था तो 1 आ गया। इससे क्या समझ में आ रहा, पता चल रहा है कि 360 मतलब एक कंप्लीट रोटेशन अगर हो रहा है ना, तो कंप्लीट रोटेशन पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। देखो 360 कॉस 360 का वैल्यू 1, कॉस 0 का भी 1, साइन 360 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू भी, साइन 0 का वैल्यू सॉरी 0 था यहाँ पे, ठीक है 0 हो गया आपका। तो ये कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या हो रहा है ना, वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए कंक्लूजन हमारा क्या निकला, ये हम कह सकते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा अगर रहता है, कुछ भी ऐड कर लो, तो ये साइन थीटा में ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ कह सकते हैं कॉस उसी तरह 360 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 360 का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, कोई भी बॉडी जहाँ से चला वहीं पहुँच गया 360, और 360 के बाद कुछ भी अगर होता है तो वही चीज़ आपको मिलना है। कॉस में भी 360 प्लस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, 360 को 2n पाई भी लिख सकते हैं, और प्लस मैंने थीटा लिख दिया तो भी मैंने लिखा, कितना भी कंप्लीट रोटेशन हो कोई दिक्कत नहीं हो, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए, 2n पाई लिखा और प्लस लिखा थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा मैंने। ये 2 पाई का मतलब 360 हो गया, और n लगाया, n का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही रोटेशन होगा, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता है, कितना भी रोटेशन हो सकता है आपका, ठीक है। 2 और पाई मिला दिया तो मतलब 360 हो गया, n एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन हो गया, एक कंप्लीट रोटेशन किया और प्लस एक्स्ट्रा कुछ जाएगा तो भी वही वैल्यू होगा, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए तो उसकी वैल्यू सेम होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहीं पर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपको बता दूं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। एक चीज़ और देखिएगा, इट इज साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 कब कब आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 का वैल्यू, ये यहाँ ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स का वैल्यू 0 किस किस एंगल पर आता है, तो आप बोलोगे क्या सर कि एक तो 0 डिग्री पर आता है, अगर 10th के आप स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर बोलोगे 0 डिग्री पर आता है, और जैसा मैंने अभी प्रूफ किया तो 180 पर भी देखना आपका 0 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद देख लो 360 पर आपका 0 आ जाएगा, और ऐसे करके बहुत जगह जो है ना 0 आते जा रहा होगा, ठीक है, साइन का वैल्यू। तो कह सकते हैं ना, 0 को 0 लिख सकते हैं, 180 को पाई लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, उसी तरह से 3 पाई होगा, डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तो क्या आप कोई एक एंगल बता सकते हो। अब क्या है ना कि ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे के कारण बहुत सारा हम लोग एंगल निकाल सकते हैं जिस पर साइन की वैल्यू 0 हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इफ समवन इज आस्किंग कि एट व्हाट वैल्यू साइन एक्स विल बी 0, मतलब वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब आपको किस एंगल पर 0 इसका होगा, तो आप क्या कहोगे ना कि अब बहुत सारा एंगल है, तो बहुत सारा में कितना बोलोगे, तो इसके लिए जनरल फार्मूला होना चाहिए। तो देखो जनरल फार्मूला कितना होगा, तो थीटा शुड बी इक्वल टू एंगल जो होना चाहिए, इसको हम लोग लिखेंगे एन पाई, और एन बिलोंग्स टू कितना होगा, जेड हो जाएगा। आप एन का वैल्यू पुट करके देखो, मान लो एन का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 पाई मिलकर 0 हो जाएगा, 1 पुट किया तो 1 पाई हो जाएगा, देखो ऊपर वाला आ जाएगा, 2 पुट किया तो 2 पाई होगा, 2 पाई, 3 पुट किया तो 3 पाई हो जाएगा। तो ऐसे करके पुट करके वी आर गेटिंग नंबर ऑफ मेनी एंगल वी विल कैलकुलेट, और यही हमारा जनरल इक्वेशन है। तो आप एकदम इसको रिमेंबर कर लो बढ़िया से, ठीक है, एक बार कस के बोलिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन के किस एंगल पे 0 डिग्री होगा, तो अब आपका जवाब एक नहीं होगा, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ही एंगल पता था, लेकिन यहाँ से बहुत सारा एंगल होगा। उसका एक सिंपल सा जवाब आप एक लाइन में अगर कोई पूछता है तो जनरल फार्मूला बता सकते हो, थीटा इक्वल टू एन पाई। चलो कमेंट करके बताओ थीटा इक्वल टू एन पाई, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मज़ेदार चीज़ है, जितना बार आपको मौका मिलता है ना प्रैक्टिस करो। ऑलराइट जी, देखते हैं उसी तरह से कॉस के बारे में आते हैं। कॉस क्या है कि कॉस
थीटा इक्वल टू अगर जीरो होता है तो कितने डिग्री पे जीरो होता है, थीटा का अगर देखोगे तो 90 पर मिलेगा आपको, 90 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 270 पर मिल जाएगा आपको, क्लियर। उसी तरह से और भी एंगल हमें मिल सकता है, इसको अगर मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू, इसको लिखा मैंने 3π/2, अगला होगा पता है 5π/2, उसके बाद होगा 7π/2, इस तरह से बहुत सारा एंगल होगा। इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में भी। अब बोलोगे यहाँ भी बहुत सारा एंगल है सर, तो इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना, ये पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू इंटू वन भी तो लिख सकते हैं इसको, एक ही चीज़। तो पाई बाई टू में वन मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद देखो पाई बाई टू में कितना मल्टीप्लाई हो रहा, 3, पाई बाई टू में 5, पाई बाई टू में 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इससे क्या आपको क्लियर हो रहा है कि पाई बाई टू में अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ऑड नंबर है, 1 के बाद क्या आया 3, 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, दिस ऑल आर ऑड नंबर, गॉट इट। सो तो अब हम इसका जनरल फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहाँ n का वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर फेंकते जाओ, आंसर निकलते जाएगा, बहुत सारा एंगल निकल सकता है, क्लियर। तो इस एंगल पर 0 डिग्री आएगा, क्लियर। तो लगभग आपको बता दिया, आप अब कैलकुलेट कर सकते हो 0 पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर, ये सारे के सारे एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा टॉपिक आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, साइन, साइन ऑफ फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भाई आखिर साइन क्या क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में कहां कहां साइन होता है। तो देखो इसका सिंपल सा है ये ट्रिक है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन साथ साथ मैं आपको प्रूविंग भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज होती है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, यहां लिखा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लिखा मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं ऑल पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे जितने भी 6 टी रेशियो आपने पढ़कर आया है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब पढ़कर आया है ना, ये सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा साइन, और साथ साथ वी विल गेट कॉसेक, इसमें कितना होगा बताओ टैन थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा, इसमें बताइए इट विल बी कॉस थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव है। जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये सब इलाका बांटा हुआ है, सब पॉजिटिव है इस इलाके में। इसका एक सिंपल सा ट्रिक बहुत जगह बुक में आपको मिल जाएगा, और इसको मैं प्रूफ भी करके भी आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। इसका ट्रिक क्या है, आप लिख सकते हो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आप ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो, ऑल का मतलब यहाँ पे सब हो गया, ठीक है। यहाँ S का मतलब साइन, और उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है, T का मतलब टेन हो गया, ठीक है, और C का मतलब कॉलेज हो गया, क्लियर। तो C इज कॉल्ड कॉलेज, C का मतलब कॉस और सेक हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये भी आप ट्रिक बना सकते हो, एड शुगर टू कॉफी, अपना अपना ट्रिक बना सकते हो, बहुत जगह है। लेकिन देखिए ये आया कैसे, आखिर पॉजिटिव कैसे होता है, ये कैसे मान ले हम लोग, क्लियर। तो उसका भी मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, कैसे आप मानोगे वो भी चीज़ अभी आप सीख लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हालांकि मैं इसका प्रूविंग आपको बताऊंगा कैसे इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ, ये हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। देखो जी अब इसमें करना क्या है, जैसा मैंने बताया था a, दिस इज b, ये c और लिखा d, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है जैसा पढ़ाया था मैंने, इट इज 1, 0,
इट इज 0, 1 यहाँ लिख सकते हो, -1, 0 और इट विल बी 0, -1, ठीक है। उसी तरह से एक पी पॉइंट यहाँ पे डाला मैंने और इस पी पॉइंट को इसको ज्वाइन करवा दो, ये लिखा मैंने एम, है ना, ये हमारा एम आ गया और इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा मैंने लिखा बी, ठीक है, ए कॉमा मैंने बी लिखा ऐसे करके। तो ध्यान से देखना है। अच्छा ये तो पता है ना सबको, इतना तो लगभग पता होगा, ओरिजिन इधर एक्स एक्सिस की तरफ, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव होता है, ये लगभग सबको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो दोनों जगह क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों जगह क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होगा आपका, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव और वाई हमारा क्या होना है, पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में डालेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और किसी भी देखो कोऑर्डिनेट को क्या बताया गया है, ए और बी, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बताया गया है, ए और मैंने यहाँ बी बताया गया है, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो पॉजिटिव को अगर लिखना होगा तो ए ग्रेटर देन मुझे 0 लिखना होगा। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो ध्यान से देखिएगा वो नंबर 0 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आपको सीखना है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 तो दैट इज पॉजिटिव, और नेगेटिव हुआ तो a स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, a स्मॉलर देन 0 नेगेटिव हो गया आपका। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो जी अभी जस्ट बताया था कि a का वैल्यू बताया था ना, cos x जो भी प्रूव करवाया था, और b का वैल्यू था दिस इज sin x हो गया। अब मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला था, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव मतलब ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, यही था ना, क्योंकि पॉइंट हमारा पी ए कॉमा बी है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगा तो ए कॉमा बी, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ए को भी हमने क्या ज़ूम किया था, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 और बी को लिया था साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो कॉस एक्स भी हमारा पॉजिटिव है, साइन एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पता चल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होना है जो कि मैंने ट्रिक्स आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब इसका उल्टा भी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ मैं ओ लिख देता हूँ, ये क्या था ए, ये था बी और ये वन यूनिट है, ठीक है, रेडियस वन यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस का उल्टा सेक एक्स, तो सेक का फॉर्मूला कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा बताओ, a बाई वन हो जाएगा, और a अभी देखिए तो क्या था, पॉजिटिव था, a पॉजिटिव था, तो a भी पॉजिटिव, वन भी पॉजिटिव, तो इट विल ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। साइन का उल्टा कर लो, कॉसेक कर लो, कॉसेक x में भी क्या होना है भाई, p बाई कॉसेक का, सॉरी h बाई, उल्टा कर दिया, रुको एक मिनट, यहाँ हमारा उल्टा होगा, हालांकि आएगा वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, एच होगा पहले, तो वन बाई यहाँ होना चाहिए, वन बाई ए होगा, ठीक है। तो वन तो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही आएगा। कॉसेक में भी क्या करना है, पी बाई एच बाई पी, तो एच वन और पी का काम बी कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो गया। तो सेक भी पॉजिटिव है, कॉसेक भी पॉजिटिव है, और देखिए तो लगभग चार क्वांटिटी तो आप पॉजिटिव देख रहे हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टेन का लेकर के देख लो, यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। तो टेन एक्स हमारा क्या करेंगे ना, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बी, बेस का काम कौन कर रहा है, ए, तो क्या बताओ, बेस हमारा बी पॉजिटिव था ना, देखो बी तो पॉजिटिव है हमारा, देखो ग्रेटर देन 0, ए भी पॉजिटिव है
और दो पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, जब टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, इट विल ए बाई बी, इट विल ऑल्सो पॉजिटिव। इससे क्या क्लियर हुआ कि जितने भी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा तो वो सारे के सारे क्या हो गए जी, पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, सब पॉजिटिव हो गए। चलिए बहुत अच्छे, एक चीज और देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी, अब हम लोग इन करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव है और पी ए कॉमा बी है, तो फर्स्ट पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो और बी नेगेटिव स्मॉलर देन जीरो। यहाँ क्या कर लो, यहाँ स्मॉलर देन जीरो, ए को क्या लिख सकते थे, कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, और बी को लिख सकते हैं साइन एक्स स्मॉलर देन जीरो। तो कॉस एक्स जैसा बताया तो ये तो कंफर्म हो गया पॉजिटिव, साइन एक्स हमारा, एक मिनट कहीं उल्टा आ रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ देख लो। यहाँ पर क्या होता है, ओ ये गड़बड़ लिखा हूँ मैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का नहीं है। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस और उसके बाद प्लस, हाँ माइनस एंड प्लस। तो हमारे पास पी पॉइंट है ए कॉमा बी, फर्स्ट नेगेटिव होगा, ए स्मॉलर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, तो ए स्मॉलर देन अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ और बी ग्रेटर देन जीरो लिख रहा हूँ, इसका मतलब कॉस एक्स था स्मॉलर देन जीरो और ये साइन एक्स होगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि पहले भी ट्रिक में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, चलिए गुड इवनिंग प्रेम सिंह राठौर, बहुत अच्छा। ठीक है, और देखिए जो अभी आए हैं क्लास में एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो वहां से बिल्कुल समझ में आपको आएगा। ठीक है, और यहां से अगर समझ सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो स्टार्टिंग से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस का उल्टा कर लो। कॉस का उल्टा क्या होता है, इट विल कम एज अ सेक एक्स, यहां लिखा सेक एक्स, और सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है एच बाई बी। इस ट्रायंगल में देखिए एच का काम वन कर रहा है, वन बाई ए। ठीक है, यही तो हमारा बेस है ना, दिस इज द बेस हो गया एच बाई बी, और वन तो पॉजिटिव है ही लेकिन ए क्या है, नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो sec हमारा नेगेटिव हो गया। साइन का उल्टा देखते हैं, cosec देखते हैं, तो cosec में क्या होगा, हाइपोटेनस और बाई पी, पी का काम उस ट्रायंगल में बेस कर रहा है, तो क्या करेंगे बी भी हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, ये तो पॉजिटिव है ही और बेस भी हमारा क्या है, देखो तो पॉजिटिव है, तो वन भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, नेट आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर हो गया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक नेगेटिव हुआ। और भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग, टेन के बारे में चेक कर लेते हैं, देख लो टेन क्या होगा आपका, तो उसी तरह से टेन एक्स मैं लूंगा, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो पी, पी का काम कौन कर रहा है, बी बाई ए। ठीक है, तो बी बाई ए अगर है तो इस बेस को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, बी, बी बी इज पॉजिटिव लेकिन ए आपका नेगेटिव है, स्मॉलर देन जीरो, माइनस दिया हुआ है, ये माइनस कह रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल डिवाइड के फॉर्म में क्या होगा, नेगेटिव ही तो देगा ना, नेगेटिव देगा, तो टेन भी नेगेटिव है, उसी तरह कॉटेक्स भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर ये बी बाई ए है तो दैट कैन बी रिटन एज अ ए बाई बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फोकस क्वाड्रेंट थर्ड। इस क्वाड्रेंट थर्ड में देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है, माइनस और माइनस होता है। ठीक है, और पी मैंने ले लिया ए कॉमा बी, तो अगर दोनों नेगेटिव है, ए स्मॉलर देन जीरो बी स्मॉलर देन जीरो, तो लिख सकते हैं कॉस एक्स स्मॉलर देन जीरो एंड साइन एक्स स्मॉलर देन जीरो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव।
तो कॉस और साइन तो नेगेटिव होगा ही, ये तो कंफर्म है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉटी पॉजिटिव होता था, वो मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसका उल्टा भी नेगेटिव है, जब कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, और इसका उल्टा कॉसेक भी नेगेटिव होगा। तो मैं सिर्फ टैन आपको बता देता हूँ, टैन कैसे लेंगे। टैन का फॉर्मूला पी बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बाई ए हो गया। देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो एग्जैक्टली आंसर विल बी व्हाट, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो पॉजिटिव। तो यही बताया गया था टैन पॉजिटिव है, और कॉट इसका उल्टा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। ये बी बाई ए है वो होगा ए बाई बी, दोनों ऊपर नीचे नेगेटिव था तो कट करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। इसलिए बताया गया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होता है। एक बार कमेंट मुझे जरूर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। जी अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बता रहा हूँ फोर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर क्वाड्रेंट में क्या करना है आपको, फोर क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होता है। पी रखा है ए और बी, इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो और बी स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, तो कॉस एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो लेकिन साइन एक्स स्मॉलर देन जीरो हो गया, ये हमारा नेगेटिव, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना ये भी क्या होगा, नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखो टैन में चेक करके देख लेते हैं, क्या टैन में भी यही आ रहा है हमारा, टैन एक्स इक्वल टू बी बाई ए बताया गया था, और बी में क्या था, नेगेटिव, ए क्या था, पॉजिटिव। तो दोनों को अगर सॉल्व कर लिया नेगेटिव पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या आना है बताओ, तो इट विल कम नेगेटिव हो गया, तो टैन भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। उसी तरह से कॉट एक्स में करके देख लो, उल्टा हो जाएगा, जब टैन नेगेटिव है तो कॉट भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो जिससे क्या क्लियर हुआ, सिर्फ कॉस और सेक हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि कभी भी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड वी आर गेटिंग फोर क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें क्या बताया गया था, ऑल पॉजिटिव, इसमें बताया गया था ये था साइन थीटा और साथ साथ वी आर गेटिंग एज अ कोसेक थीटा, ये सब पॉजिटिव है। थर्ड में बताया गया टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छी तरह से इसको रिमेंबर कर लीजिए, ट्रिक भी आपको बताया गया ऑल स्कूल टू कॉलेज, उसके बाद बताया गया आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या एड शुगर टू कॉफ़ी, आप कुछ भी अपने तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाया था, अब इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल अगला क्लास सॉल्व करेंगे, और ये कंसेप्ट भी आपको जानना जरूरी था, प्रूविंग सब एक चीज़ मैंने करके आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए चलिए बाय। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जितना ज़्यादा हो सके ना, अभी लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है, आप पढ़ाई को प्लीज़ सीरियसली लीजिए, अभी ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र साधन है आपके पास, इसी को आपको यूटिलाइज करना बहुत अच्छी तरह से। तो इसको जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में घुमा फिरा के कर सकते हो करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ द केयरिंग, आपको करनी है। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी जा करके अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, नहीं तो पता चलेगा कि मैं सब्सक्राइब किया हुआ हूँ और नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाय, टेक केयर।